हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन तरनप्रीत कौर। आई होप आप सब सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज मैं एक जो हमारा न्यू पैंडमिक जिसको हम बोल सकते हैं जो स्टार्ट हुआ, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली अब हम सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस के केसेस अगर थोड़े से कम हुए हैं तो ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ गए हैं दिल्ली में। सो अभी काफ़ी हमारे पेशेंट्स हैं जो बहुत पैनिक कर रहे हैं कि मतलब कि पैंडेमिक जो है वो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा, और बहुत टेंशन क्रिएट हो गई है कि अब ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस भी आ गए एंड ये क्या है। सो बेसिकली एक छोटी सी आज एक लॉजिकल और एक अवेयरनेस के लिए वीडियो है कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस बहुत सालों से, ये जो फंगल इन्फेक्शन है ऑलरेडी काफ़ी सालों से था। सो बेसिकली इसके सिर्फ अभी कुछ केसेस बढ़ गए हैं क्योंकि हमारी थोड़ी इम्यूनिटी हिंडर कर गई है, और या हमें स्टीरॉयड ट्रीटमेंट बहुत प्रोलॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म में लेना पड़ा, और हमने मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ किए। सो मतलब हमारी इम्यूनिटी के अंदर जो थोड़ा सा अगर जिसको कह सकते हैं कि लेवल अगर कम हुआ है तो ब्लैक फंगस जो है वो हमें जल्दी अफेक्ट कर रहा है। प्लस कुछ इस सीज़न में ब्लैक फंगस के केसेस पहले भी देखे जाते थे। सो बेसिकली होता क्या है ब्लैक फंगस, ये एक मोल्ड है। अगर मैं आपको इजी एग्जांपल्स दूँ तो अगर हम किचन में कभी देखते हैं, किचन में मॉइस्चर होता है, जहाँ पे नमी होती है वहाँ पे अगर आपको कभी आपने कुछ टाइम से ड्रॉर्स नहीं खोले तो अगर आप ड्रॉर्स खोलते हैं तो आपको ब्लैक स्पॉट्स या वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, या आपको कुछ ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, तो वो मोल्ड होता है जिससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये बहुत पुराना एक फंगल इन्फेक्शन चलता आ रहा है। ये बहुत इजीली हमारे घरों में भी देखने को मिलता है। अगर हमने 3-4 दिन पुरानी ब्रेड खाई तो ब्रेड के ऊपर भी वाइट कलर का जो है वो मोल्ड डेवलप हो जाता है, ग्रो कर जाता है। सो बेसिकली ये मतलब कि आपको ग्रास में मिल सकता है, सॉइल में मिल सकता है, जहाँ पे ज़्यादा नमी है। हम कूलर्स जब यूज़ करते हैं तो कूलर भी है, एक मॉइस्चर वाली एयर हमें देता है, तो उससे भी हमारी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर अगर आप नोटिस करो कभी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए और वेंटिलेशन पूरी नहीं है तो वहाँ पे भी मोल्ड डेवलप कर जाता है, तो वहाँ से भी हमें ये हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सो ब्लैक फंगस के अगर सिम्टम्स देखें तो फेशियल डिफॉर्मिटीज़ आने लग जाती हैं, या फेशियल पेन आ रहा है, किसी भी जगह पे आपको पेन आ सकता है, या नीजल पेन आ सकता है, या फिर आपको ब्लड विजन हो सकती है, आपको धुंधला दिखेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गया है, आप इन्फेक्टेड हैं ब्लैक फंगस से। अगर वाइट फंगस के सिम्टम्स की बात करें तो उसमें जो कोरोना से सिमिलर सिम्टम्स आते हैं, आपको कफ फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपका थोड़ा सा लंग्स अफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि फ़ीवर होगा तो लंग्स मतलब अगर ज़्यादा लंबे टाइम रहता है तो कोल्ड कफ फीवर से आपकी लंग्स अफेक्ट हो जाती हैं, और इसमें कुछ केसेस में ऑक्सीजन भी मतलब थोड़ा सा डाउन चला जाता है। तो ये इनके सिमिलर सिम्टम्स हैं। एंड अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट की मैं आज बात नहीं करी, मैं प्रिवेंशन की बात करूँगी। तो प्रिवेंशन के लिए बेसिकली 3 वेज हैं जहाँ से ये इन्फेक्शन एंटर करता है हमारी बॉडी में। सो फर्स्ट इज़ माउथ, देन सेकेंड नोज, उसके बाद आइज़। सो माउथ से हमें उसको कैसे रोकना है, माउथ से सबसे पहले आप सुबह उठ के ऑयल पुलिंग कर सकते हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो है वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, मुंह में 1 टेबल स्पून ऑयल लेके आप उसको अच्छे से स्कॉश कीजिए अपने मुंह में, एंड उसको आप रिंस कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं वापस, पुल करके आपको इन्फेक्शन अपना बाहर निकालना है, ठीक है। उसके बाद आप उसके फिटकरी के या आप टर्मरिक के या नॉर्मल पानी के आप गागल्स कीजिए, एलम के गागल्स बोलते हैं जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है। तो आपके अगर गले तक इन्फेक्शन गया है तो आप उसको वहीं पर ठीक कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। उसके बाद माउथ से हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। तो अब खाने के ऊपर हमें ध्यान देना है कि हमें फ्रेश जो भी हमारे घर में ताज़ा खाना बन रहा है हमें वो ही खाना है, एंड रीहीट नहीं करना, माइक्रोवेव यूज़ नहीं करना। देन जो जितने भी पैकेट बंद चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनमें, वो चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देनी है इस टाइम पे, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन अभी हम देख पा रहे हैं। क्योंकि जो आप टेट्रा पैक के जूसेस लेते हैं या मिल्क लेते हैं, उनके गत्ते पे भी कई बार नीचे की साइड को मोल्ड्स होते हैं, इन्फेक्शन ग्रो कर चुका होता है, और जब आप पूरा पी लेंगे या जूस आप ख़त्म कर लेंगे तब आपको दिखता है कि यार इसमें तो इन्फेक्शन था।
सो कई बार आपको लगता है कि जूस का वो टेस्ट नहीं आ रहा जो आना चाहिए, सो क्योंकि उसमें नीचे इन्फेक्शन बैठ चुका होता है ड्यू टू मॉइस्चर। तो इसलिए अभी टेट्रा पैक्स चीज़ें बिल्कुल भी ना लें, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन, सब कुछ अभी आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। एंड सेकेंडली, आपको जब आपने बिस्किट्स खोल लेते हैं, तो हम इजी भाषा में बोलते हैं, अगर आपने एक बार में ख़त्म नहीं किया तो बिस्किट्स विल गए या सिल गए, जो भी बोलते हैं। सो बेसिकली उसमें मॉइस्चर चला गया, आपको वो चीज़ उसके बाद नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें इन्फेक्शन ग्रो हो गया। ठीक है, तो ये आपके माउथ से रिलेटेड हो गई, प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है। देन आपका नोज़ पे अगर हम आते हैं, तो नोज़ से हम क्या कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। तो सांस लेने के लिए बेसिकली पहले के टाइम पे घरों में शाम को या किसी भी टाइम धूप अगरबत्ती या जोत जलाते थे या कुछ भी, जिससे इन्वायरमेंट जो है हमारे आसपास का वो क्लीन हो जाता था। सो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो, कपूर जला सकते हो, नीम रख सकते हो, टू प्योर योर, टू क्लीन योर एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड बाकी आपको करना क्या है कि जब आप मास्क यूज़ करते हैं तो एक तो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, रीयूज़ मत कीजिए अपने मास्क को, और जहाँ पे आपको बहुत नीडेड है वहीं मास्क पहनिए। अदरवाइज़ अगर आप घर पे हैं तो सांस खुला लीजिए। ठीक है, अपने लंग्स को हिंडर मत कीजिए, उसके कैपेसिटी को हम लो डाउन कर देते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा मास्क पहनते हैं। तो अगर आपको घर में आप मतलब जो कोविड पेशेंट्स भी हैं, अगर आइसोलेशन में हैं, तो आप बिना मास्क के रह सकते हैं। ठीक है, और अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश कीजिए। हम दिवाली पे सफाई करते हैं, आप अपने घरों में रोज़ थोड़ी डस्टिंग और जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मॉइस्चर ज़्यादा बैठता है उस एरिया को क्लीन एंड ड्राई रखिए, एंड वेंटिलेशन पूरी रखिए अपने घर में। थर्ड हमारा आइज़, तो आइज़ को भी आपने इसमें आपकी जो जिसका हाइजीन मेंटेन करना है वो ऐसे ही होता है कि आपको अपनी आइज़ को 3 times a day फ्रेश वाटर से, जो आपका टैप वाटर है फ्रेश, उससे अपनी आइज़ को वॉश करना है एंड बिल्कुल क्लीन रखना है। आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन होती है तो आप अपनी आइज़ को रब करने की बजाय वॉश कीजिए एंड सॉफ्ट किसी कपड़े से सिर्फ टैप कीजिए, तो इसको आपने रब नहीं करना। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल भी कहीं इरिटेशन होता है या कुछ होता है, आप अपने आई डॉक्टर को मिलके कोई भी ल्यूब्रिकेंट या आई ड्रॉप आप ना यूज़ कर सकते हैं ताकि आप प्रिवेंशन मोड में आ जाएं। सो ये कुछ आप हमारे पॉइंट्स हो गए, हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर हम खाने की बात करें तो आपके घर में सब कुछ है जो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल होता है, गार्लिक है, टर्मरिक है, कोकोनट ऑयल है, एलोवेरा है, तो आप ये सब चीज़ों में अपना जीरा जो भुना रोस्टेड जीरा होता है वो सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो। एंड जितनी भी फ्रेश चीज़ें जितनी खा सकते हो उतनी खाओ, फ्रेश वेजिटेबल सूप्स, दाल सब्ज़ी, सैलड्स, जो भी है अच्छे से क्लीन करके वॉश करके फिर कट करना है, और कट जो आपकी सब्जियां कट गई हैं उसको कुक्ड चीज़ों के साथ ज़्यादा देर नहीं रखना, उससे भी आपका जो है वो मॉइस्चर रिएक्शन हो जाता है। सो बेसिक यही कुछ पॉइंट्स थे। ऑरिगेनो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने, क्योंकि वो एक ऐसा हर्ब है जो एंटी फंगल है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जिनसे हम प्रिवेंशन मोड में आ सकते हैं। हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैनिक करने से सिचुएशन और ख़राब हो जाती है एंड हमें कोविड सिम्टम्स के साथ सिमिलैरिटी मिल जाएगी। सो हमें प्रिवेंशन करना है। आई होप आप सबको ये यूज़फुल होगी वीडियो। अगर आपको डाइट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, आप 8527264585 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।